बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा देहात से महज 300 मीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से गाड़ियों का कटान हो रहा है। स्क्रैप की अनुमति की आड़ में चोरी की गाड़ियां काटी जा रही है। अवैध वाहन काटान फैक्ट्री से दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइए सुनते हैं सीओ भास्कर मिश्रा ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा। सर, एक कटान पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला, कौन सी कंपनी है, क्या मिला है? देखिए, विगत कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में एक हिंदुस्तान मोटर एंटरप्राइजेस करके एक स्क्रैप यार्ड चल रहा है, जहां पे संभवतः अवैध वाहनों का कटान चल रहा है। इस सूचना पे आज मेरे द्वारा मैं पुलिस फोर्स इस जगह की जब सघन चेकिंग की गई तो इसमें कई रूप से मूलभूत जो विसंगतियाँ होती हैं वो पाई गई हैं। उन विसंगतियों की जांच की जा रही है। यहाँ पे जो ट्रैफिक की टीम है और जो थाना की टीम है उनके चालान की है, जो सरकार को चूना लगाने का काम चल रहा है। देखिए, बहुत सारी ई चालान ऐप पे जब चेक किया गया तो अधिकतर गाड़ियाँ जो स्क्रैप में खड़ी थीं उन पे चालान अभी पेंडिंग था, तो उस पे अभी किसी प्रकार की एनओसी प्राप्त नहीं हुई थी।